It was a task where you could have played to your strengths, Neha. आप और प्रिंस 10 सेकंड नहीं लगते आप 10 सेकंड भी नहीं लगते 10 सेकंड भी नहीं लगते हमें रन हमको 10 सेकंड भी नहीं लगते वही तो मैं बोल रही हूँ गलती हमसे हुई मुझसे ज्यादा मुझसे हुई बिकॉज आई शोड फेथ इन अमन मोर देन एनीथिंग एल्स अगर किसी ने फिल्में नहीं भी देखी आई एम सेइंग कि तुम चलो एक पिक्चर भी नहीं देखी लाइफ में एक पिक्चर नहीं देखी ये माइकल को भी बोल दो अगर उसने आई एम नॉट सेइंग एज अ बैड थिंग टू यू हिंदी फिल्में आई एम अज्यूमिंग इन सब में से सबसे कम माइकल ने ये तो पता है ना माइकल क्या है ये हिंदी में गोल बस ये नहीं पता तुम्हें इफ यू गोना ड्रॉ अ ब्लैंक ऑन दिस देन दिस इज व्हाट यू डिजर्व अमन अमन कुछ कुछ कहना है आपको नहीं यू डोंट वांट टू से एनीथिंग वो वक्त में मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था मैं अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था क्योंकि मुझे पता था मैंने परफॉर्मेंस खराब किया है और जिस दिन मैं खराब परफॉर्म करता हूँ उस दिन मैं कुछ नहीं बोलता और ना मैं जिंदगी में कुछ बोलूंगा नेहा एंड प्रिंस आपकी जो टीम है जिसमें 5 लोग हैं अभिमन्यु पूनम अमन आकाश और जबी इन 5ों में से कोई एक अभी इसी वक्त वापस घर जाने वाला है या वाली है बहुत तरीके हैं इसके पर सबसे आसान और सबसे सही तरीका कि आप दोनों डिसाइड कर लो अगर आप दोनों मिलकर दोनों सहमति से मेरे को बताओगे कि हाँ इस एक टीम मेंबर को हम निकालते हैं मेरे को नहीं पता वो नेहा की टीम से हो या प्रिंस की टीम से हो लेकिन अगर आप दोनों ने डिसाइड नहीं किया तो फिर देख लो कि कोई भी जा सकता है इनमें से कोई इम्यून नहीं कैन आई पिच आप दोनों पिच करो नेहा जैसे टास्क स्टार्ट होने वाला था आपने मुझे बोला कि अगर हम जीतते हैं तो मुझे 2 मिनट ही देना मैंने एक बार भी ना नहीं बोली क्योंकि मैं सिचुएशन को समझ रहा था और आप अभी समझ सकते हैं कि आज जिसने परफॉर्म किया बाकी सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म करने के बाद उनको बाहर निकले वो लॉजिक नहीं बनता इट्स बेसिकली डाउन टू मी आई मेड अ डील विद प्रिंस कि आप एक इम्यूनिटी रखना और मैं 2 इम्यूनिटी रखूंगी क्योंकि उसके पास माइनॉरिटी थी बट आई डिडंट थिंक कि दिस डील इज गोइंग टू कम और मुझ पे ही भारी पड़ जाएगी ये डील